एक यानी जायरा कहती मेरे 3 महीने का बच्चा था, साथ में मेरी माँ थी व्हीलचेयर पर, मैं थक जाती थी तो बच्चा माँ को देती थी। भीड़ बहुत थी, रश बहुत थी, जैसे हम करबला की एंट्री पे आए अचानक रश आई तो मेरी माँ मुझसे क्या हो गई, जुदा हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा मेरी माँ के पास है, कोई मुझे फिक्र नहीं थी। काफी देर के बाद मुझे मेरी माँ मिली, पर व्हीलचेयर भी नहीं था, कुछ लोग थे जो उसको संभाल के ला रहे थे। मैंने देखा बच्चा नहीं था, मेरी माँ से कहा माँ मेरे 3 महीने का बच्चा कहाँ गया। अब बेटी तुम गायब हो गई थी, मैं बच्चे को उठा उठा के थक गई, एक जवान मेरे साथ था उसने कहा बच्चा मुझे दो, इशारा किया मुझे दो, अब थक गई है मैं व्हीलचेयर चला था। कहते कहीं थक गई मैं पानी पीने के लिए कहीं पे उतरी, अचानक लोगों की भीड़ आई, वो जवान भी मेरी नजरों से गायब हो गया। अब उस माँ पे क्या गुजरती होगी जिसके 3 महीने का बच्चा गुम हो जाए, इतने बड़े करबला में बच्चा कहां ढूंढे, कभी एक ऑफिस कभी दूसरे ऑफिस, मिसिंग पर्सन की तरफ गई। लोगों ने कहा भाई 3 महीने का बच्चा, इतनी अरसे के बाद खुदा ने मुझे ये बच्चा दिया था। मैंने कहा भाई पे आती हूँ मौला हुसैन की ज़ियारत को ताकि इस बच्चे के खून में हुसैन की मोहब्बत चली जाए। माँ थी रोने लगी, हर माँ का हौसला रुबाब जितना नहीं होता, हर माँ का हौसला बीबी उम्मे फरवा जितना नहीं होता। अल्लाह किसी माँ की गोद को ना उजाड़े, बड़ा मुश्किल होता है छोटे बच्चे दुनिया से जब जाते हैं ना, वहां पर बड़ा मुश्किल वक्त गुजरता है। कितनी बड़ी हुई बर्दाश्त न हुआ, आखिर में गाजी अब्बास के घर में चली गई। मैंने कहा अब्बास मैं हुसैन के पास तो नहीं जा सकती, उन्होंने खुद कहा कि मेरी जियारत से पहले अब्बास के पास जाया करो, आप लश्कर के सिपह सालार हैं, हम मशी कर रहे हैं, हमारी हिफाजत जिम्मेदारी आपकी है। मैं सब्र कर लेती लेकिन मुझे फिक्र है मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, मेरे बच्चे दूध पीता बच्चा है, पता नहीं किस हाल में होगा, किसके पास होगा। इंतजार और कतार हो रही थी, इतने में एक खातून ने एक व्हीलचेयर की तरफ इशारा किया, कहीं आपकी अम्मी का व्हीलचेयर नहीं। मैंने कहा दौड़ी दौड़ी आगे गई, मैंने देखा वही व्हीलचेयर है। देखा उस व्हीलचेयर के आगे की राह की खातून बैठी, उसकी गोद में 3 महीने का बच्चा है। मैंने गौर से देखा, मैंने कही तो मेरा बच्चा है। माँ खुश हुई, दौड़ी दौड़ी वही बच्चे को सीने से लगाया, मेरे लाल तू कहां था, मैं इतने दिनों से तुझे ढूंढ रही हूं। इराकी खातून को कहा मेरा बच्चा आपके पास क्या कर रहा है, अब्बास ने भेजा था। अब क्या मतलब, कहा तुम जानती हो ना हर इराकी जाहिर हुसैन की खिदमत करता है कहां, जिसके पास घर है वो घर में बुलाता है, जो नजर न्याज कर सकता है वो सबील लगाता है, जो कपड़े धो सकता है कपड़े धोता है। मैं बड़ी गरीब हूं, झोपड़ी में समझो रहने वाली हूं, मेरी 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, लेकिन दिल तो है ना कि मेरी माँ में हुसैन की जाहिर की क्या करूं, खिदमत करूं। मैं आ गई सीधा हजरत अब्बास के पास, मैंने कहा गाजी अब्बास आप करीम हैं, करीम का मतलब वो किसी को खाली हाथ वापस नहीं लौटाते, क्या आपका करम सिर्फ अमीरों पर है, साहिबान हैसियत पर है, जिन पर घर है उनका है, हम गरीब हैं देने के लिए कुछ भी नहीं, तो क्या मतलब मैं आपकी नजर न करूं, न्याज न करूं, सवाब न कमाऊं, यह सवाब सिर्फ अमीर कमाए जिनके पास पैसे हैं। मैंने बड़ा शिकवा किया, रात को सो गई, ख्वाब में गाजी अब्बास आए, फरमाए मोमिना हम करीम हैं, किसने कहा हम तुझे महरूम करेंगे, का कुछ नहीं दे सकती कोई बात नहीं, तेरे सीने में दूध है, मेरे 3 महीने का नन्ना सा जाहिर आ रहा है, उस जाहिर को दूध पिला दे अली असगर की नजर करके, जो है वो दे हम कबूल करेंगे। मैंने कहा गाजी बच्चा कहाँ मिलेगा, कहा मेरी हरम आती जा बच्चा खुद खुद मिल जाएगा, क्योंकि डेली आती थी हरम के चक्कर लगाती थी कोई बच्चा नहीं। मैंने कहा गाजी अब्बास वो नन्ना सा जाहिर का एक दिन मैंने देखा एक जवान है उसकी गोद में बच्चा है, बच्चा शदीद रो रहा है, जवान के करीब गई, मैंने कहा इसकी माँ कहाँ, उसने कहा मुझे नहीं पता, इशारा किया, फिर मैं महसूस किया कि ये गूंगा भी है बहरा भी है बेचारा, उसने मुझे बच्चा दिया, कहा बच्चा भूख से मरने जा इसे दूध पिलाया, मुझे बच्चा देके वो चला गया। कहती है 3 दिन मैंने इस बच्चे को दूध पिलाया, ये मेरे घर का नन्ना सा मेहमान था, 3 दिन गुजरे फिर ख्वाब हजरत अब्बास को देखा। मैंने कहा गाजी अब इस बच्चे को कहाँ करो, कहा मेरे हरम में आके बैठ जा, जिसकी अमानत है वो खुद लेकर चली जाएगी,
और उस जायरा को कहना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब्बास की निगाहें तुम सब पर हैं। नहीं हो सकता मजलिस हुसैन में आए अहले बैत की निगाह ना हो, जो ज़ियारत पे जाता है उस पे निगाह है, जो मौला की मजलिस में आता है। हमें सिर्फ तवज्जो करनी है अहले बैत की तरफ, पर मैं तो एक कदम हम 10 कदम आते करे मेहदी से मिला दे।